क्या आप लोग भी सर्च करो बेस्ट एमुलेटर फॉर लो एंड पीसी या बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर फॉर लो एंड पीसी। डोंट वरी, आज मैं आप लोग को एक ऐसा एमुलेटर बताने वाला हूँ जो कि यार बच्चा बच्चा जानता है एंड वो काफी इंपॉर्टेंट है लो एंड पीसी वालों के लिए। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा जिसका नाम स्मार्ट गागा। पहले आप लोग को मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद मैं आप लोग को इसकी फुल डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग का प्रोसेस दिखाऊंगा वीडियो के अंदर में। स्किप मत करना, मैं आप लोग को सारी चीजें डिटेल बाय डिटेल समझा दूंगा। तो देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया स्मार्ट गागा पे एंड मेरा एमुलेटर प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। नीचे में फ्री फायर, पबजी एंड प्ले स्टोर पे जाओ, कुछ भी अपना एंड्रॉइड गेम इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, कोई इशू नहीं है। तो चलो आज कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग चले जाना कमेंट सेक्शन में, वहां पे आप लोग को डाउनलोड लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सिंपल सा डाउनलोड लिंक आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करना। इस तरह का आप लोग को सेटअप फाइल खुल के आ जाएगा, इस पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे क्लिक करो, कुछ लोडिंग लेगा और आप लोग के सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। प्रिपेयरिंग इंस्टॉल कुछ नहीं करना, नीचे में देखो नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, क्लिक करना इस पर, कुछ चीजें लोडिंग लेंगे। अभी लोडिंग लेने के बाद मेरे भाइयों देख सकते हो यहाँ पे कुछ एड्स दिखाएंगे, आप लोग कुछ नहीं करना है, डिक्लाइन पे क्लिक करना है, फिर से एक बार डिक्लाइन पे क्लिक करना है, फिर से एक बार करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल इसका प्रॉपर तरीके से अब बन के आने वाला है। एंड यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे सिंपल से क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा जो कि आपको अब सेटअप करने के लिए दिया जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है इंस्टॉल किस फोल्डर में करना है, तो मुझे भाई सी फोल्डर में नहीं करना, आप लोगों को करना हो तो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एफ फोल्डर में अपने करूंगा। एफ फोल्डर को मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से नीचे आता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है साइड में एंड यहाँ पे आप लोग को न्यू पे क्लिक करना है एंड फोल्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना एक नाम डाल देना है एमुलेटर का जिसका नाम है स्मार्ट गागा। भैया मैं मुझे इसी फोल्डर में इंस्टॉल करना है, तो मैं सिंपल सा इस फोल्डर को बना दिया एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। यहाँ पे ओके करने के बाद देख सकते हो ये फोल्डर मेरा आ चुका है जो कि मेरा फोल्डर बना दिया स्मार्ट गागा के नाम से। अब इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा मैं, सिंपल सा ये इंस्टॉलिंग लेना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पे पूरा इंस्टॉलिंग ले चुका है। अब यहाँ पे रन स्मार्ट गागा बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से फिनिश कर दो इसको, टिक लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल से टिक लगा के ही छोड़ देता हूँ एंड फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग लेना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल तो हो गया एंड अब आपको ओपन होना शुरू हो चुका है। ये काफ़ी लाइट वेट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाइयों काफ़ी लाइट वेट है, जिनके में रैम हो नहीं हो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये यार देख सकते हो एक मोबाइल की तरह ही खुलता है, एक एंड्रॉयड मोबाइल की तरह खुलता है, बाकी एमुलेटर की तरह यार वो लैंडस्केप में नहीं खुलता है, ये मोबाइल की तरह खुलता है। गेम ओपन करोगे तब वो लैंडस्केप में होकर अपना गेम फुल स्क्रीन पर आप खेल सकते हो। इसके साथ बता दूं मेरे भाइयों को, जिन लोगों को ब्लूस्टेक 5 अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड करना है, वीडियो बना दिया हूं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। एंड ब्लूस्टेक 4 जिन लोगों को डाउनलोड करना है, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया उसके ऊपर में, तो आप लोग उसको भी अगर देखना चाहते हो और किस तरह से आप लोग लो एंड पीसी में उससे भी खेलना चाहते हो, उसके ऊपर वीडियो है बना दिया हूं मैंने, लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लेना आप लोग। अब बात करते हैं गाइस, देख सकते हो यहां पे मेरा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है यहां पे। एंड यहां पे फ्री फायर एंड पबजी मेरा गेम इंस्टॉल है एंड यहां पे प्ले स्टोर है, सिंपल से इस पे क्लिक करो। एंड आप लोग को सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा जीमेल आईडी से, सिंपल से इसको लॉगिन कर लेना आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ मेरे भाइयों यहाँ पे मेरे को भी बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो मैं सिंपल से अपना लॉगिन कर लेता हूँ पहले। तो मेरे भाई देख सकते हो यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन होने वाला है, मैं नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा एंड ये लॉगिन हो जाएगा। तो सेम आप लोग को भी इस तरह से करना है, कुछ वेरिफिकेशन पूछ रहा है तो मैं सिंपल से अपने फोन से उसको वेरिफिकेशन कर दूंगा, क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अब एडवांस हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो जीमेल आईडी से आप लोग को सेम इस तरह से कर देना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे ऑफर कर देना, मतलब ये साइड वाले एरो पे कर देना है क्लिक एंड ये आपका लॉगिन हो जाएगा। एंड इसके बाद कोई भी आप एंड्रॉयड गेम यार इंस्टॉल करो, खेलो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, ये फ्लेवर प्रेस करोगे ये छोटा हो जाएगा, तो सेम इस तरह करना है। आई होप सो कि आप लोग मेरी बातें समझ में आए होंगी कैसे आप लोग स्मार्ट गागा एमुलेटर को अपने लो एंड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, ये एंड्रॉयड एमुलेटर भी है। तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय।